हेलो एवरीवन, टुडे न्यू नोटिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके बीच एक नई ताज़ा अपडेट लेकर फिर हाजिर हो चुके हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती संबंधित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर ग्रुप डी की भर्ती आई थी, उसका रिजल्ट फाइनली जारी कर दिया गया। 2 मिनट पहले साइट पर अपडेट किया गया, उसका रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, वहाँ से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा किस तरह अपना रिजल्ट देख सकते हैं, उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चलो हम सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली आपको साइट पर आ जाना। साइट पर आ जाने के बाद बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे ऊपर के सेक्शन आपको दिखाया जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती रिजल्ट 2020। इसके बाद आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ दिया गया है, यहाँ टोटल पोस्ट के बारे में बताया, टोटल 91 पोस्ट थी इस भर्ती के अंदर जो अलग अलग कैटेगरी के लिए थी। स्वीपर पोस्ट, कुक, माली, फ्रास, ये अलग अलग पोस्ट दी गई थी, डिवाइड की गई 67 पोस्ट इसकी, 3, 3 और 18, ये अलग अलग पोस्ट डिवाइड कर दी गई थी कि किस पोस्ट के लिए कितनी आपकी टोटल पोस्ट दी गई हैं। उसके बाद यहाँ नीचे के सेक्शन पर आओगे तो आपको डाउनलोड ग्रुप डी रिजल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करके सेक्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यह है पीडीएफ फॉर्मेट में आप रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चारों भर्तियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया। सबसे पहले आपको रिटर्न एग्जाम स्वीपर की पोस्ट के जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था वो पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर देखो कुक की पोस्ट दी गई है, कुक की पोस्ट का जो रिजल्ट है यहाँ आप देख सकते हैं 25 अगस्त 2019 को आपका एग्जाम हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका यहाँ पर रोल नंबर दिया गया, पोस्ट अप्लाइड, कैंडिडेट नेम, फादर नेम के साथ आपको पूरी डिटेल के साथ बताया गया है। ये शॉर्ट लिस्ट किए गए, यहाँ दिखा है लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर विदाउट मार्क्स, मतलब आपको मार्क्स नहीं बताए गए, आपके स्टेज फर्स्ट एग्जाम आपका क्वालिफाई हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आपके इस पोस्ट के लिए वो आप देख सकते हैं यहाँ इसके सर्च, यहाँ पर आपकी 3 पेज की पीडीएफ दी गई कुक की पोस्ट के लिए। उसके बाद अगर स्वीपर की पोस्ट के लिए आपको डाउनलोड करना तो इस तरह आप देख सकते हैं 64 पेज की पीडीएफ दी गई है। यहाँ पर आप अगर आपने इस भर्ती के लिए एग्जाम दिया था देख सकते हैं स्टेज पर का आपका एग्जाम आज का, जल्दी जल्दी अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। और जिन कैंडिडेट का इस भर्ती के अंदर एग्जाम क्वालिफाई हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हुआ है वो आगे भी अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से समय समय पर वैकेंसियों के नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, तो आपको जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी तो हम वीडियो के माध्यम से जल्दी जल्दी बता देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जो तीसरी भर्ती है आपको माली की पोस्ट के लिए, उसके लिए अगर डाउनलोड करना तो इस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, 7 पेज की पीडीएफ ये दी गई है, इस तरह आप अपनी भर्ती का रिजल्ट चेक कर सकते। दोस्तों यह जो वीडियो का यह जो अपडेट आई थी नहीं उसको शेयर कर दिया गया है, तो आप जल्दी जल्दी दोस्तों के अंदर शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जिन कैंडिडेट ने इस भर्ती का एग्जाम दिया था वो देख ले कि इस भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसकी तैयारियों में आप अपना जी जान लगा दें। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कॉमेंट जरूर करें, लाइक करें। यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको खुश रखें।